क्या मेरे जैसा पहलवान नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अरे किसी में दम, आइए अभी भी लड़के दिखता है, दिखाता हूँ। अच्छा कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल। अच्छा फिल्म में हमने देखा ट्रेलर में आप कुश्ती लड़ने के लिए तैयार थे लंगोट पहन के, तो जरा क्या मामला है वो बता दें। वो मामला फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएगा, और बहुत ही प्यारा मामला है। वहाँ पर आप पेट पकड़ के हंसेंगे, बहुत हंसेंगे। एक बहुत अच्छी कॉमेडी, ये तो वैसे पूरी फिल्मी कॉमेडी है, लेकिन ये जो पहलवान वाला मामला है वो बहुत ही प्यारा मामला है। जब मेरी एंट्री होती है तो जो संतोष पहलवान हैं जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं, आपकी बड़ी दिलीप ख्वाहिश थी पहलवान बनने की जी, बेसिकली मुझे लगता है वो इस फिल्म से पूरी हो गई होगी। हाँ बचपन में मैंने पहलवानी किया है। मेरे से दोगुना हाइट के लोगों के साथ मैं पहलवानी करता था। जब मेरे पिताजी जाते थे ऐसा ऐसा करते थे, और मैं भी मिट्टी उठा करके वो सब मैंने भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये पहलवानी एक अलग ही मज़ेदार पहलवानी थी मेरी, और बहुत मज़ा आ रहा था। पहलवानी के साथ साथ और भी बहुत सारे सीन थे हम लोगों के जो सब, ये फिल्म कुछ अलग ही है। आपको हमारे दर्शकों को, भोजपुरी के दर्शकों के लिए कुछ खास मज़ेदार फिल्म है ये। वैसे आप पहलवानी के जो गांव में सीखे थे बचपन में, वो कुछ शायद उपयोग में आए होंगे संतोष पहलवान को पटकने में गिराने में? हाँ 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 हाँ, पूछिए मत। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, जो वो भागे कि 500 लोगों ने उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिले नहीं, इस तरह से वो डर कर भाग गए थे जो संतोष पहलवान जी हैं वो। और आम्रपाली जी का जो बल मुझे मिला था, उन्होंने मुझे मेरे कान में कुछ फूका था मंत्र, और वो मंत्र जो था उसके बाद जब मैं लंगोट बांध के और जब मिट्टी में लौटते हुए जब मैं एंट्री किया था तो संतोष जी का। वैसे बेसिकली जब पहलवानी के साथ आते हैं, अगर कोई आपसे पहलवानी सीखना चाहे हाँ, तो क्या क्या करें आप? देखिए ये पहलवानी जो थी वो एक्टिंग की पहलवानी थी, तो एक्टिंग की पहलवानी अगर सीखना हो, कैमरे के सामने वाली पहलवानी सीखना हो, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए आपके थ्रू, आपके चैनलों के थ्रू, हम उन्हें एक्टिंग फ्री में सिखाएंगे। वैसे कैमरे के पीछे मतलब आप पहलवान नहीं हैं? कैमरे के पीछे मैं पहलवान नहीं हूँ, कैमरे के सामने का पहलवान। अगर कुश्ती के लिए कोई चैलेंज दे तो आप भाग जाएंगे? मैं स्वीकार करूँगा, कर लेंगे। जैसे 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 अगर रियल पहलवानी का भी बात आए तो भी मैं स्वीकार करूँगा, मैं लड़ूंगा उनसे, चाहे वो आपके जैसा हो या मेरे जैसा हो। ट्रेलर देखने के बाद आप अपनी खुशी कैसे बयां कर रहे हो? मैं तो सिनेमा देख चुका हूँ तो ट्रेलर का अंदाजा मुझे है पहले से था। बहुत अच्छा सिनेमा बना है, मैं इसलिए खुश हूँ कि ये सिनेमा एक्टरों का है। दरअसल ये सिनेमा का कॉन्सेप्ट हीरो है, उसमें कोई हीरो है नहीं। अगर कोई ये कहे कि मैं हीरो हूँ, बतासा हीरो है, अमरपाली हीरो है या अविनाश हीरो, उसके हीरो समौना जी भी है, उसके जो केके जी भी है उसके भी हीरो, पूरा कॉन्सेप्ट हीरो। ट्रेलर देखकर मैं खुश इसलिए हूँ कि ट्रेलर तो सिर्फ एक है, ठीक है कि भाई देख लीजिए ये हमारा ट्रेलर, देख के सिनेमा का अंदाज़ा ना लगे उसे ट्रेलर कहते हैं। अगर ट्रेलर देख करके आपको समझ में आ गया कि सिनेमा में क्या है, तो फिर ट्रेलर का कोई मतलब है। तो हमारे ट्रेलर में जो कुछ है वो सिनेमा में अलग ही है। अविनाश, मैं, अम्रपाली, हमारी जो टिकड़ी है कहीं से कोई एक दूसरे से कम नहीं है, सब एक दूसरे पर भारी है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने गाना देखा, सम्भावना जी का जो गाना है, सम्भावना जी ने बताया कि हमने पहला ऐसा गाना किया जिसमें किसी तरह की वल्गैरिटी नहीं थी। तो पहली बात तो हम लोग चोली घाघरा वल्गैरिटी से हमेशा दूर रहे, कोशिश रहा कि सिनेमा अच्छा बने। और मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अविनाश भाई जैसा दोस्त और को एक्टर मिला, सम्भावना जी जैसी को एक्टर और दोस्त मिली। आम्रपाली ने बड़ा कमाल का काम किया है, हमारी टीम ने बड़ा कमाल का काम। मनोज जी, वैसे जब छोटा भाई डायरेक्टर हो, जो कि एंट्री में बनाता हो, वो पहली बार फिल्म बना रहा हो, उसके निर्देशन में आपको काम कर रहा हो, बड़ा भाई छोटे भाई के निर्देशन में काम कर रहे हैं, कहीं कभी ऐसा लगा कि नहीं आपने 200 फिल्में की है, उनकी पहली फिल्म है तो आपको कोई बात आप उनके बेहतर तरीके से बता सकते थे या आप किस तरीके से करना चाहिए? नहीं, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं डायरेक्टर जो कहे वही सुनना चाहिए, क्योंकि मैं उसके टैलेंट को जानता हूँ। कभी कभी चिचड़ापन होता था, लेकिन जो कहता था सही कहता था। अविनाश जी, आपने भी काफी लोगों की ट्रेलर देखा, आप कुछ कहना चाहते हैं ट्रेलर के बारे में?
ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा, और जैसा मनोज जी ने कहा कि फिल्म में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर खुल जाए तो पूरी फिल्म खुल जाएगी, तो उसको ट्रेलर में कैसे प्लेस किया गया है, कैसे सजाया गया है, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और साथ ही हर किरदार को ट्रेलर में इम्पोर्टेंस दी हुई है, और उसी से पता चलता है कि हर किरदार की अपना एक वजूद है, अपनी एक जगह है। सबसे अच्छी बात मुझे ट्रेलर में जो लगी, जो संभावना का गाना है, वो फिल्म में सिर्फ आइटम सॉन्ग होने के लिए आइटम सॉन्ग हो जाता है, इस फिल्म में उस गाने की भी कहानी में एक रिक्वायरमेंट है। अगर वो गाना निकाल दिया जाए तो कहानी अधूरी है। तो सब चीज़ों को, जैसे मोती को एक धागे में पिरोया जाता है तो माला बनती है, वैसे ही इस ट्रेलर को सजाया गया है, और हर किरदार की, हर कहानी के एक एक मोड़ की जो चीज़ें दर्शाई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पिरोया गया है। वैसे कोई कोई ऐसा शॉट कहा आया, कोई ऐसा फेज था जो लगता है अगला शूट भी बहुत बेहतर है और उसको ट्रेलर में शायद जगह नहीं दी इसके साथ? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, मुझे जो मेरा एक एंट्री शॉट है वो बहुत पसंद था और वो ट्रेलर में है, तो आई एम हैप्पी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी अपनी एंट्री जब वो शूट हो रही थी। मैं वो ट्रेलर में देखी, मुझे मजा। बात इनकी काट रहा हूँ, सिनेमा में इनके ऐसे ऐसे रूप हैं कि ट्रेलर में डालता तो ट्रेलर और खिल जाता, मेरी कहानी खुल जाती। ट्रेलर देखने के बाद और सिनेमा देखने के बाद लोगों का इनके बारे में का विजन अलग होगा। मैं तो सिनेमा है, लेकिन जो इन्होंने ट्रेल में किया वो 1% भी नहीं। वो सिनेमा जिस दिन प्रीव्यू होगा उस दिन इंडस्ट्री देखेगी, उस दिन लगेगा अरे साला ये रूप है, उस सिनेमा में पता चलेगा। जी, जब ट्रेलर हम लॉन्च कर रहे थे, आप बता रहे थे अपने बारे में कि बहुत सारे लोग होते हैं जो लुभाने की कोशिश में लगातार करते हैं, लेकिन हाथ देकर सहारा देकर उठाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, तो जरा वो बात एक बार फिर से कहीं, क्योंकि कैमरे में माइक के साथ हम ज्यादा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। देखिए, मैं ये बात पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बात आप लोग पहली बार सुन रहे हो। ये बात फैक्ट है कि मेरे साथ, आई थिंक और भी लोगों के साथ ये चीज़ें होती होंगी, लेकिन मैं मेरी मेरे एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने इंडस्ट्री में ये बहुत देखा है कि आपके दुश्मन क्यों बन जाते हैं आपको भी पता नहीं होता, लेकिन वो पता रखने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दुश्मन तो डेफिनेटली है ही, सामने साथ ही घूम रहे हैं, उनमें से हमें चुनना वो है जो आपके, मतलब वेट लेट मी जस्ट फिनिश, आपके दोस्त जो हैं, अब हमने बात काट दी, उनको आपको अपने साथ रखना है, बिकॉज दुश्मन आपके आपके हर जगह हर मोड़ पर है, लेकिन दोस्त आपके बहुत कम होते हैं। तो मनोज टाइगर मेरा एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मेरे उतार चढ़ाव में मेरा हमेशा मनोज ने साथ दिया है। इनफैक्ट एक और मैं मेंशन करना चाहूँगी, दो वो फिल्म का पार्ट नहीं है इस, लेकिन उसने मेरे साथ हमेशा दोस्ती निभाई है, मेरे लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं उसके साथ, उस इंसान के साथ, लेकिन उसने फिर भी मेरे साथ दोस्ती निभाई है, वो है पवन सिंह। तो ये कहीं ना कहीं मैं कैसे मेंशन ना करूं, क्योंकि वो पार्ट नहीं है फिल्म का, ज़्यादा मुझे नहीं बात करना चाहिए, लेकिन संभव पवन भी मेरा एक ऐसा ही दोस्त है जिसको मैं कभी भी कुछ भी कहती हूँ वो सुनता है, और फिर भी हम लोग साथ में होते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं तब भी साथ में होते हैं। सेम मेरा मनोज टाइगर के साथ है, मैं खूब खरी खोटी सुनाती हूँ मनोज टाइगर को, ये मुझे सुनाते हैं और फिर हम लोग एक होते हैं, और दोस्त ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि स्माइल देके और आपको बहुत मीठी मीठी बात करके और खंजर लेके तो सभी लोग खड़े हैं। वैसे सम्मानो जी, आप तो बहुत सारे फिल्मों का हिस्सा रही है, ये जो फिल्म है कितनी अलग या फिर कुछ अलग किस्म की फिल्म लगी, तब से ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लगा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत डिफरेंट लगा ट्रेलर, मैं तो काफी हद तक ऐसा कह सकते हैं ना कि दो मैंने फिल्म में गाना जरूर, सिर्फ गाना ही किया है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फिल्म के साथ जुड़ी रही हूँ, ए मनोज टाइगर की फिल्म है, बी इसमें अविनाश है, तो मैं कहीं ना कहीं जुड़ी रही फिल्म के साथ, तो मुझे काफ़ी कुछ हैपनिंग्स पता थी फिल्म के बारे में, बहुत अच्छी जो मैं सुनती आ रही थी कि बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छा ग्रेंजर है फिल्म का, उतना ही हमें ट्रेलर में भी दिखाई दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने यू नो शूटिंग में आपने जो भी मेहनत करी है वो पर्दे पे दिखनी बहुत ज़रूरी है, तो हमने वो ट्रेलर में आज देखा, एंटायर चीज़ें रिवील नहीं की गई, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर हमें वाकई जैसे कि मनोज ने बोला कि ऑलरेडी अगर हम लोग सबको रिवील कर दें तो फिर पब्लिक को इंटरेस्ट क्या रह जाएगा। तो मैं जानती हूँ कि अविनाश ने फिल्म में क्या किया है, लेकिन वो ट्रेलर में चीज़ें नहीं हैं, तो उसके रीजंस हैं कि जब वो सामने आएगा, प्रीव्यू में जब सामने आएगा, हम लोग फिल्म देखेंगे, तो डेफिनेटली अविनाश का इसमें क्या किरदार है और अविनाश ने क्या काम किया है वो हमें फिल्म में पता लगेगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मैं जो जानती हूँ फिल्म में हो चुका है, अब मैं वो ट्रेलर में भी ना देख के मैं फिल्म में देखना चाहूंगी, और यही लोग भी देखना चाहेंगे।
मनोज जी, जैसा हम बातें कर रहे थे ट्रेलर की बात कर रहे थे, समारोह जी की बात कर रहे थे, अम्रपाली जी की बात कर रहे थे, लेकिन अम्रपाली जी खुद नजर नहीं आ रही है इसके ट्रेलर में, कोई खास वजह? अम्रपाली जी ने बहुत कोशिश की आने की, मैं अम्रपाली और दिनेश जी हम तीनों अभी गबरू फिल्म की शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में, और हम तीनों को आना था, लेकिन गाना चल रहा था और उनका सुबह 9 बजे की शिफ्ट में कैमरा 2 बजे रोल हुआ, कैमरा खराब हो गया था। अम्रपाली बहुत टेंशन में है, बार बार फ़ोन कर रही है, लेकिन क्या करेगी, अब किसी का सेट छोड़कर आना भी तो उचित नहीं है, इसीलिए अम्रपाली नहीं आ पाई। वैसे अब फिल्म रिलीज के लिए है, आप चंद दिन बाकी है प्रमोशन, हम पहले बिहार रिलीज करें 26 जनवरी को, हमारी टीम जाएगी वहाँ, हम लोग वॉलीबॉल प्रतियोगिता करेंगे जगह जगह गांव-गांव में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लास्ट के 5 दिन में हम पाली जी और संभावना जी आएंगी, कहीं कहीं हम लोग जहाँ बड़ा इवेंट करेंगे वहाँ इन लोगों के हाथ से प्राइज देंगे, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यही जो हम लोग कर सकते हैं, कोशिश है कि हम इसको खूब प्रमोट कर लें सिनेमा। अविनाश जी, वैसे रचनिया एक अलग जॉनर की फिल्म थी, एक अलग किस्म की फिल्म थी, बताशा मुझे लगा एकदम अलग किस्म की फिल्म है, आपका किरदार भी शायद एकदम अलग हो सकता है, तो ये स्विच किया कैसे, आसान था मुश्किल था? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म सक्सेसफुल इसलिए होती है कि पहली 50% तो फिल्म अच्छी हो और दूसरा 50% वो बॉक्स ऑफिस पे चले, तो ये दोनों ही बहुत मायने रखती चीज़। अगर कोई कहता है कि फिल्म अच्छी है नहीं चली तो क्या हुआ, वो मैं गलत मानता हूँ, दोनों जगह जमना ज़रूरी है। तो जो दूसरा पार्ट है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चले, वो हमें कभी पता नहीं होता, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि फिल्म अच्छी बन रही है और अच्छी है, तो मैं वो पहला पार्ट देख के फिल्म को चूज़ करता हूँ और करता हूँ, और उसके बाद जनता के हाथ में बात है, और अगर दोनों जगह फिल्म अच्छी हो जाए, हमें भी पसंद आई है, जनता को भी पसंद आए, तो वो सोने पे सुहागा। मेरा नाम अजीत श्रीवास्तव है, मैं डायरेक्टर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू डिड नॉट नो, मैंने अपना नाम नहीं बोला है। देखिए, मैंने जब फिल्म का प्रोमो देखा सबसे पहले, तो मुझे सबसे बड़ी बात यह, फिल्म बड़ी फ्रेश लग रहा है, इसकी शूटिंग यहाँ भी की, लोकेशन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, और कलाकार तो सारे मजे हुए हैं उसके अंदर, चाहे मनोज टाइगर हो, चाहे अम्रपाली जी हो, और भी बाकी तमाम सब हैं लोग, तो वो सब बहुत अच्छे कलाकार, सबने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसके अंदर। इसके अलावा जो मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में जो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री, उसमें बजट के बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर को बेचारे काफ़ी शिकायत होती है, तो इस फिल्म को एक लिमिटेड बजट के अंदर बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ बनाया गया है, पेश किया गया है, मुझे लगता है उसके अंदर कंटेंट्स बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छी बात है कंटेंट्स है, वही नहीं है कि हीरो आया, पुलिस वाला पहुंचा गांव में और लोगों को मार पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल कहानी है इसके अंदर, और मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग फ्रेश फिल्में बनाएंगे, सभी लोग जो फिल्म बनाते हैं उनको इस फिल्म से देख सीखना चाहिए कि भाई अगर आप कंटेंट अच्छे हैं फिल्म के अंदर तो आपकी फिल्म चलेगी और लोग उसको पसंद करेंगे। मुझे लग रहा है ये फिल्म रिलीज होगी तो 100% इसको लोकप्रियता मिलेगी, और इसके अलावा इसका जो ब्रांड है लगा रहा बतासा, तो बतासा बड़ा पॉपुलर, अभी मनोज मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे वहाँ लखनऊ में, तो सबसे बड़ा स्टार तो यही था, जैसे गाड़ी से निकलता था वेरिटी वैन से सबसे पहले लोग अरे यार बतासा चाचा आ गई, बतासा चाचा आ गई, तो इज ए ब्रांड ना, और ये फिल्म के बहुत अच्छे वाइब्स हैं, और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मनोज को, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जी आए लोग उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, और मुझे लग रहा है कि फिल्म चलेगी, और आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों, बिकॉज मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, फिल्म को चलवाएंगे आप। असलम भाई थोड़ी देर पहले जो है बोल रहे थे कि अपना नाम बोलना भूल गए, उनका नाम सभी लोग जानते हैं, माई फेस लोग जानते हैं, असलम शेख की तरह जानते, तो उनको अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बताशा चाचा जो है कैरेक्टर पहले से ही फेमस है, मैं काफ़ी साल से मनोज जी को जानता हूँ, उनका कई फिल्में कर चुका हूँ, और जैसे जिन्होंने कहा ब्रांड नेम जो है फेमस है, साफ सुथरी फिल्म बनी है, लोगों का काम बहुत अच्छा हुआ है, खास करके मनोज जी का, रामपाल जी का केमिस्ट्री अच्छी लगी, और इस फिल्म को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन 101% सुपरहिट होगी, हमारी सब लोगों की शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ।